मैं डॉक्टर डैक्स एम बी बी एस डी सी एच एम आई ए पी विद मोर देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैविंग एन डीप इंटरेस्ट इन द डिवेलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट स्मार्ट एंड हेल्दी ये सफ़र प्रेगनेंसी से छः महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी चार साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का आईक्यू अप टू थर्टी पॉइंट्स बढ़ सकता है जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस दिला सकता है क्या हमारी प्रेगनेंसी एक साल की होनी चाहिए तो इस सीरीज़ का आज ये लास्ट पार्ट है अगर आपने पहले चार पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लें तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आज हम किस एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे वो है सकिंग पर ये सकिंग रिफ्लेक्स फीटस में साढ़े सात से आठ महीने तक डेवलप हो जाती है और अल्ट्रासाउंड्स पर मदर के यूट्रस में फिटस थम या फिंगर को सक करते हुए रूटीन में पाए जाते हैं तो जब नॉर्मल बेबी पैदा होता है तो ये सकिंग रिफ्लेक्स काफ़ी डेवलप्ड होती है क्योंकि उसका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है कि बर्थ के तुरंत बाद उसको फीड करना पड़ेगा और फीडिंग के लिए उस उसे सकिंग करनी चाहिए ताकि वो मदर की ब्रेस्ट को सक कर सके अब सकिंग रिफ्लेक्स के दो एस्पेक्ट होते हैं पहला है हंगर यानी कि भूख तो बेबी जब भी भूखा है तो वो सक करेगा और तभी मदर का दूध ले पाएगा और इसको हम न्यूट्रिटिव सकिंग कहते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट है कि सकिंग एक कामिंग रिफ्लेक्स की तरह भी काम करता है यानी कि बेबी को शांत करने के लिए यहाँ पर बेबी को भूख नहीं लगी होती है फिर भी बेबी वो सक करता है तो इसे हम नॉन न्यूट्रेटिव सकिंग कहते हैं ऐसी सकिंग करते टाइम बेबी ज़्यादा सिक्योर्ड फील करता है और उसका स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है इसे बेबी का हार्ट रेट भी लो हो जाता है और इवन ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है बेबी कंफर्टेबल फील करता है और सोता भी ज़्यादा है और अगर सोता ज़्यादा है तो अवेक टाइम में ज़्यादा खुश और एक्टिव होता है और इस टाइम में हम बेबी के साथ हेल्दी इंटरेक्शन कर सकते हैं जिससे हमारा बेबी बनेगा सुपर इंटेलिजेंट इससे मदर को भी मच नीडिड रेस्ट मिल जाती है तो अब आप ये सवाल पूछोगे कि हमें बेबी को पेसीफायर्स यानी कि चूसनी देनी चाहिए या नहीं तो इसका जवाब है यस बिल्कुल देनी चाहिए परंतु कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बेबी को पेसीफायर्स बर्थ के कम से कम दो वीक्स के बाद शुरू करें जब बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी हो नहीं तो बेबी को निप्पल कन्फ्यूजन हो सकती है ये प्रॉब्लम वैसे तो दूध के लिए जिन बेबीज में बॉटल लगाई जाती है में ज़्यादा देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू पेसीफायर्स एक्चुअली माँ का दूध पीने के लिए बेबी को मुंह से नेगेटिव सक्शन करने पड़ती है और अगर बेबी को बॉटल लगा दो तो वहाँ पर बेबी को ग्रेविटी से दूध आता है और मुंह भर जाता है और बेबी उसको निगल लेता है तो ये दो तरह की डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके कारण बेबी को निप निप्पल कन्फ्यूज़न हो जाती है तो इसलिए पहले ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लें और तभी उसके बाद पेसीफायर्स का सोचें पेसीफायर्स को कब तक यूज़ करना है तो इसे आप तब तक यूज़ करें जब तक बेबी सात से आठ महीने का नहीं हो जाता है अब दूसरा पॉइंट है कि ये कैसे पता चले कि जब बेबी रोता है तो फीड मांग रहा है या पेसीफायर तो इसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स और माउथ सकिंग रिफ्लेक्स से चेक कर सकते हैं जब आपका बेबी रोता है तो उसके लिप्स के साइड में हल्के से उंगली लगाएं और अगर बेबी एकदम एकदम से लिप्स को उस तरफ घुमा देता है और उंगली को मुंह में लेने की कोशिश करता है तो वो भूखा है और फीड मांग रहा है इसी तरह से अगर साफ़ उंगली को आप बेबी के मुंह के ऊपर के हिस्से को टच करते हो और बेबी आपकी उंगली को ज़ोर ज़ोर से चूसना शुरू कर देता है तो बेबी भूखा है और फीड मांग रहा है और अगर इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो उसे पेसीफायर दे सकते हो अब अगला सवाल है कि कैसे पेसीफायर देना चाहिए तो इसमें आपके बेबी की चॉइस चलेगी जिसमें आपका बेबी खुश रहता है इसमें ध्यान रखना है कि पेसीफायर्स ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन फूड ग्रेड का ही हो ना कि येलोश रबरी मटेरियल का पैसिफायर्स के साथ कवर हो ताकि जब यूज़ में ना हो तो उसे कवर करके रखा जा सकता हो ऐसे मटेरियल का हो जो कि बॉयल भी हो सकता हो और तीन से चार पैसिफायर्स का यूज़ करें ताकि जो गंदा हो जा गया हो उसे साइड में रख लें और क्लीन वाला यूज़ कर सकें एक और इम्पॉटेंट पॉइंट है कि जो भी पेसीफायर आप लेते हो उसमें गले में डालने वाला धागा ना हो और अगर है तो उसे काट दें और कभी भी पेसीफायर को बेबी के गले में ना पहनाएं और ना ही उसको लटकता हुआ छोड़ें क्योंकि ये धागा कभी कहीं फंस जाता है और बड़ी बार सीरियस एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं अब डिस्कस करते हैं कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या इसकी बेबी को आदत पड़ जाएगी और बेबी इसे नहीं छोड़ेगा तो सात से आठ महीने तक मोस्टली बेबी स्पेसिफायर्स आराम से छोड़ देते हैं परंतु काफ़ी बेबीज़ इसका एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लेते हैं और वो है सकिंग नंबर टू बेबी के दांतों को इसका कोई असर पड़ेगा तो जवाब है नहीं अगर पेसीफायर आप आठ से नौ महीने तक यूज़ करते हो सकिंग अगर तीन साल के बाद भी कंटिन्यूड रहती है तो वो दांतों पर असर कर सकती है क्या इससे ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं तो अगर पेस्सीफाइड आठ से नौ महीने तक यूज़ हो तो इससे ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि बेबी इतने ज़ोर से शक नहीं करता है कि ईयर्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाए और ईयर इन्फेक्शन को बढ़ावा मिले पर वैसे ही इस टाइम पर बेबीज़ में ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं क्योंकि ट्यूब्स ईयर ट्यूब्स जिन्हें स्टेशन ट्यूब्स भी बोलते हैं स्मॉल और स्ट्रेट होती हैं और बेबीज़ का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है और पेसीफायर वाले बेबी में सडन इन्फेंट डेथ यानी कि सिड्स का रेट भी काफ़ी कम देखा गया है और इसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पैट्रिक्स भी रिकमेंड करता है कि बेबी को सोते वक्त पेसीफायर देना चाहिए और लास्ट में एक और बात कि बहुत थोड़े से कुछ ऐसे बेबीज़ होते हैं जो कि पैसिफायर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है इट इज़ ओके इट इज़ फाइन तो दो हमारे बेबी को पेसीफायर बेबी रहेगा खुश और बेबी हो गया खुश तो हम भी होंगे खुश ज्वाइन द मूवमेंट ज्वाइन आर एवर ग्रोइंग फैमिली बाई क्लिकिंग द लिंक बिलो एंड टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ आर बेबी पापा पापा, मेरे खातिर मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू मैमी थैंक यू पापा